वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज। नई सीरीज के साथ आपका भाई हाजिर है। जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन पढ़ा, इट्स अ लेक्सस दिस टाइम CT200H। ये बड़ा अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। अब कोई प्रोजेक्ट मे बी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट मेरे लिहाज से। और गाड़ी फुल्ली ट्रांसफॉर्म है। चलते हैं, हम आपको गाड़ी दिखाते हैं और आज के दिन के काम शुरू करते हैं। गाड़ी सिटी नहीं है कोई। दिस इज द लेक्सस और ये फुल्ली ट्रांसफॉर्म होगी। फुल्ली हम आपको पहले गाड़ी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इंटीरियर से, ठीक है। ये है इंटीरियर का हाल, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत हालात में इंटीरियर। जब ये बन जाएगा ना तो तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये वही गाड़ी है। सही है, पूरा इंटीरियर पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंटीरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम मूव करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। अब आप लोगों ने सजेस्ट करना है कि इस गाड़ी को हम किस कलर में रैप करें, कौन सा कलर अच्छा लगेगा इस गाड़ी के ऊपर, ये आप लोगों ने हमें बताना है। काफ़ी कंफ्यूजन है। और कराची आ गए हूँ ना मैं, तो मैं राइट लेफ्ट बाइक वालों को देख रहा हूँ ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस गाड़ी में करने के लिए। नए व्हील जाएंगे, गाड़ी रैप होगा, तो रैप किस कलर में होगा ये आपने हमें रेकमेंड करना है, आपने बताना है। इंटीरियर बनवाने के लिए तो इसी एपिसोड में हम जा रहे हैं, इंटीरियर बनने के लिए दे रहे हैं। हमारे साथ दानियाल भी मौजूद है जिसकी गाड़ी है, हम दानियाल से आपको मिलवाते हैं और दानियाल से पूछते हैं। दानियाल, ये क्या किया है तुमने गाड़ी के साथ? बस ये अभी हमने लिए तकरीबन 4-5 महीने पहले। जिसके पास भी थी उसने बड़ा जुल्म किया है। इस लेक्सस को लेक्सस से ऊपर बनाना है। हमने तो रिकवरी में मिली है, इसके पैसे लेने पे। उसने बड़ा जुल्म किया है लेक्सस के साथ, लेकिन दानियाल को बड़ी मोहब्बत है। दानियाल ने कहा इसको फुल ट्रांसफॉर्म करना है। तो दानियाल, मैंने बॉयज से पूछा है कि हम गाड़ी को किस कलर में रैप करें, तो अब अगली एपिसोड में हमें ये बताएंगे कि हम किस कलर में गाड़ी को रैप करें। इनका मशवरा और अपनी स्पाइसेस डालते हुए ना ये वाला काम कर लेंगे ना। बॉयज, आई एम इन द कार। यकीन माने फिल्टी हो रही है गाड़ी, फिल्टी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी। सबसे पहले तो हम चलते हैं, चल के इसकी जो है ना हम लोग सीट्स और तमाम इंटीरियर को डिसअसेंबल करवाते हैं, और डिसअसेंबल करवाने के बाद फिर हम इसको लेके चलते हैं ऑटो पब और इसको देते हैं हम इंटीरियर क्लीनिंग के लिए, कि भाई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर जो है ना वो काम नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब डिटेल वाली ना, मतलब मैं आपको नहीं अल्फाज में नहीं समझा सकता, मोहिदी समझा सकता है आप लोगों, मेरे पास का नहीं है बाबू। खैर बॉयज़, हर गाड़ी का एक नाम रखते हैं। इस गाड़ी का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में ना मेरे, उसके हिसाब से इस गाड़ी का नाम होना चाहिए स्टीलिक्स, ठीक है। स्टीलिक्स एक पोकेमोन होता था जो बड़ा जाइगेंटिक, बहुत ना मस्कुलर टाइप होता था ना, तो स्टीलिक्स होना चाहिए इस गाड़ी का नाम। जो लुक मेरे दिमाग में जब ये फाइनल होगी तो इट विल लुक लाइक ए स्टीलिक्स। खैर, वी आर एट अवर डेस्टिनेशन। हम गाड़ी को नंगा करते हैं अंदर से और फिर मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन। गाड़ी हमारे गो टू प्लेस जाएगी ऑटो पब और हम करेंगे इसको इंटर क्लीन वहाँ पे। इंटर क्लीनिंग के बाद फिर हम बॉडी कंडीशन देखेंगे, बॉडी वर्क शुरू करेंगे, फिर रैप करेंगे। लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इस गाड़ी में होनी है। चलते हैं, इसको नंगा करते हैं। अबे एम्बुलेंस की बत्ती क्यों दी हुई है इधर, देख। जब गाड़ी क्रैश हो तो एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। दबा दिया मैंने तो बंद हो गई लाइट। सो बॉयज, हम इधर मौजूद हैं, हमारी गाड़ी फुल स्ट्रिप हो गई है। लेट जाओ तुम, लेट के दिखाओ लोगों को। ऐसे मजा नहीं आ रहा, कोई साथ हो ना। करते हैं हम तुम्हारे लिए प्रबंध करते हैं। तो अभी जो है ना नहीं बोलेगा यार, ये मीम पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। खैर तो भाई सीन को जैसा है, वही सीट एक ही है। अब ऐसा अगर पीछे वाली गली में मैं उतरता हूँ अपने घर पे, तो ना इसकी इंटर क्लीनिंग कर सबसे पहले भाई जाके, क्योंकि उसके बगैर ना हिसाब किताब नहीं हुए। तू देख ये मैल, देख तू एक मैल, देख देख तू मैल, गंदगी देख, ये देख
नीचे यहाँ दिखा, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, चावल, रोटी, चिप्स, डोरीटो, किसी ने समोसा खाया था, वो देखो, वो समोसे की पापड़ी। हाँ, ये जरा क्लोजअप में लेके रहा, कैमरा क्लोजअप में लेके रहा। तो जो हालात है ना वो बहुत ही नासाज हैं, बहुत तरीके से जो है ना इंटर क्लीनिंग होने की ज़रूरत है। हम गाड़ी जाएगी ऑटो पब, वहाँ जाके होगी इसकी इंटर क्लीनिंग ऑफ टुमाइट। सो बॉयज, हियर वी आर एट ऑटो पब, क्योंकि गाड़ी को डिटेलिंग की अशद ज़रूरत है, इंटर क्लीनिंग की अशद ज़रूरत है, और हमारी गो टू प्लेस एक ही है, ऑटो पब। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, इसकी इंटर क्लीनिंग शुरू करते हैं और आपको मारखोर भी दिखाते हैं, वो भी यहीं पे मौजूद है। अच्छा भाइयों, एक बारी फिर से देख लो कि लेक्सस अंदर से कितनी गंदी हो रही है। असल आप लोगों को पता चलेगा जब मैं आपको आफ्टर दिखाऊंगा, थोड़ी देर में आफ्टर में आपको पता चलेगा डिटेलिंग क्यों ज़रूरी होती है, इंटर क्लीनिंग क्यों ज़रूरी होती है, किसी गाड़ी को भी डिटेल करना कितना ज़रूरी है। भाई मुझसे गंदी गाड़ी में नहीं बैठा जाता, मारखोर भी यहीं पे खड़ा हुआ है, उसकी भी इंटर क्लीनिंग हो रही है, जबकि वो इतना गंदा नहीं था। क्या रीज़न था कि हम ट्रैवल करके आए थे, तो मिट्टी गंद ये वो डिफरेंट शहरों से आए हैं होके, तो उसकी इंटर क्लीनिंग बाई हो जानी चाहिए, इस वजह से हमने उसका पूरा इंटीरियर स्ट्रिप कर दिया कि खोल के हम अंदर से पूरा साफ करें। वालेकुम अस्सलाम, 7000 का ही ओके। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई, जो पेट्रोल है ना उसकी कीमतों में फ़र्क आ गया है, पहले 272 का था जो है वो सादा वाला, और हाई ऑक्टेन जो था वो था शायद अवालबन 288 का, 292 का, अब 270 का हो गया हाई ऑक्टेन। गुड सीन्स, गुड सीन्स, देखते हैं 7000 में कितने लीटर फ्यूल आते हैं। ये समझ लें आप, हर दूसरे दिन मुझे पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है ना भाई। ऑटो पे छोड़ दीजिएगा, अरे भाई 10000 चार्ज कर दिया आपने, 10 बोला आपने ना, नहीं 7 बोला था, 7 बोला, चलो चलो अब। तो भाई ने जो है ना वो गलती से चार्ज कर लिया, इनका ऑटो इतना स्लो क्यों है भाई, 2 नंबर पे लगा दो। अच्छा 2 नंबर जो है ना, ब्रेक मार रहा था ये। अच्छा पहले थर्ड पे लगा दो, ब्रेक मार, सेकंड पे मार रहा था, फर्स्ट पे लगा। सेकंड जो है ना वो बिल्कुल सही रहता है, ज़्यादा स्पीड नहीं होती, झांग नहीं बनती, ठीक है, तो मुनासिब रहता है, एयर नहीं आती है। खैर 1 भी ठीक है, बस स्लो डलेगा, और हमेशा ऑटो पर डलवाएं, चांसेस कम होते हैं कि आप जो है ना वो स्कैम से बच सकते हैं। थोड़ा जल्दी कर ले, सुबह पनवेल निकलना है भाई। भाई ये फ्यूल अप होने में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई 3 से 4 मिनट लग गए हैं, कभी भी इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इनका 2 नंबर काम नहीं कर रहा था, फर्स्ट स्टॉप पे किया है। पीछे वाले खड़े हुए समझ रहे होंगे कितनी बड़ी टंकी है भाई, क्या जानवर है जो भर के नहीं दे रहा है, भर के नहीं दे रहा है। खैर फ्यूल भर गया 7000 का, बाकी भाई ने बोला मैं इसे ले लो कैश में, कैश में मैंने ले तो लिया है, लेकिन ज़रा ना मुझे एक बैड सी वाइब्स आ रही हैं। चलते हैं वर्कशॉप, पहुँचते हैं, पहुँच के ना आराम से नोट चेक करवाते हैं, नोट असली हैं, नवे नवे लग रहे हैं नोट भी, चलते हैं चल के ज़रा चेक वेक कराते हैं। खैर गुड वाइब्स, हाफ टैंक ऑफ फ्यूल, खैर ये हाफ टैंक ऑफ फ्यूल आप लोगों को दिख रहा है, ये बमुश्किल चलेगा 2 दिन या 3 दिन। किलोमीटर में बता दूँ तो ये 100 से 150 किलोमीटर मैक्सिमम 150 किलोमीटर चल जाएगा ये, और फिर 150 किलोमीटर के बाद हम वापस खड़े हुए होंगे किसी और फ्यूल स्टेशन पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यही अगर मैंने इतना फ्यूल जो है वो फॉर्च्यूनर में डलवाया होता तो वो 25 लीटर फ्यूल आया है, 25 लीटर फ्यूल अप्रॉक्सीमेटली मेरे चलना चाहिए कम से कम 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। तो खैर फॉर्च्यूनर को हम देते हैं गुड सिटीजन बोनस $50, और मूव करते हैं हम अपनी स्पॉट की तरफ, अपनी वर्कशॉप की तरफ। सो बॉयज, हियर वी आर, ये आ गया बी एन एल जी का पंप, और आगे आ गया ऑटो पब। तो हमने की है ऑटो पब के साथ कोलैबोरेशन, और आप ऑटो पब पे ही आपको मैकेनिक ऑन व्हील्स पाया जाएगा, और ये है हमारी ब्रांड न्यू लोकेशन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लोकेशन आप लोगों को काफ़ी ईजी पड़ेगी आने के लिए,
अभी यहाँ पे बोर्ड शोर लग रहा है, चीज़ें वीज़ें आ रही हैं, तो अब मैं भी यहीं पाया जाऊँगा, मैकेनिक ऑन व्हील्स भी यहीं पाया जाएगा, यहाँ पे भी बड़ा सा बोर्ड आएगा और रोजर पोयो काम हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं गाड़ियों पे क्या अपडेट है, क्या सीन सपाटे हैं, और फिर देखते हैं क्या करना है आगे। इस वाले व्लॉग में बता दिए लोगों को क्या क्या बताया, हम अब तुम्हारी यहाँ रोड लेंगे, वो मुनीब की लेनी है, मैं तो दूंगा नहीं, अच्छा दोगे देना। अब फाइनली जो है ना वो काम शुरू हो रहा है इसका। अरे मेरी मारो टिकड़ो, किधर है? अंदर 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 ओए, वोरी वोरी वोरी, नहीं नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी कैसे दिखा दूं, अगली एपिसोड में जानी कंटेंट। अरे लंबी मैंने कर ली है, थोड़ी तुम भी कर लो ताकि व्लॉग लंबा हो, लोगों को मजा आए। निकालो निकालो दिखाओ, अमीर अमीर लौंडा। अबे इतनी देर में तो बैंक बंद हो जाता है, मैं नहीं मानता। क्योंकि हमने सेट करनी है जगह पूरी, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, भाई को रखिएगा दुआओं में बहुत ज़्यादा याद। मिलते हैं अगली एपिसोड में, अगली एपिसोड में हम क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो हम फॉर्च्यूनर की कुछ नई मॉडल्स हैं वो कर सकते हैं, या हम मर्सिडीज़ का ऑयल चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो है ख़र्चा, 50,000 का ऑयल चेंज वो कर सकते हैं, सोचते हैं इस बारे में, फिर हम आते हैं वापस। रखिएगा ख्याल, अल्लाह।